मिराला चौक पर एक प्रदर्शन होना है और कल से संयुक्त छात्र संगठनों का जो आंदोलन कहा जाता है उसकी शुरुआत जो है कल से लोग करें और राजभवन जहाँ तक घेरने की बात है घेराव पर हम लोग तिथि तय करेंगे पुनः जब तिथि हो तो उसके बाद हम लोग तय करेंगे। फिलहाल कल हम लोग जो है तमाम खंडों के साथ और जितने भी छात्र नौजवान इस लड़ाई में शामिल हैं तमाम लोगों को शामिल करेंगे और जितने भी लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है छात्र राजा तेजस्वी है जिससे भी बात कर रही है उम्मीद होगा कल कि हम सभी लोग जो है एक साथ जो है कल हम लोग जो है इस अग्निपथ के विरोध में जो है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। और जहाँ तक रही बात ट्रेन और बस चलाने की देखिए कहीं ना कहीं जहाँ तक ट्रेन और बस चलाने की बात है तो उसमें कहीं ना कहीं सभी का पैसा लगा हुआ है और ट्रेन और बस चलाने की संभावना अभी आई क्यों कहीं ना कहीं मौका जो है इस सरकार ने दिया कहीं ना कहीं जो नौजवान होते हैं उनकी उम्र कम होती है और जब कम उम्र होती है तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें जब होती है एक बात कहा जाए कि बहुत सी चीज़ें आई कोरोना भी आया नोटबंदी भी आया और तमाम तरीके की चीज़ें भी आई उसमें तो कहीं ट्रेन और बस हो जाए लेकिन आखिर इस आंदोलन में आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि उन्हें ट्रेन और बस चलाना पड़ा। जिस तरीके से आजकल वीडियो भी देखा जा रहा है कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है जब आंदोलन था उसमें कुछ नहीं हुआ अभी तक कुछ वीडियो वायरल किए जा रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना जो है यह गलत है लेकिन कहीं ना कहीं यह सरकार के द्वारा देवता दिया गया कि जो है किस तरीके की योजनाओं को ला करके कहीं कहीं युवाओं को भड़काया गया कि ट्रेन और बस को जो है जलाया जा सके और सुरक्षा कहाँ दिया जा सके भाजपा के कार्यालय ताला बंद करके और ब्लू ब्लू ड्रेस पहन करके उनके बड़े बड़े हथियार रख करके उनको सुरक्षा प्रदान किया जाता है और देश की आम जनता को सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाता है। हम यही बात करना चाहते हैं भाजपाइयों को किससे डर भाजपाइयों को नौजवानों से डर है जिनके खिलाफ में ये योजना जो है यह लाया जा रहा है हमारा यही बात कहना है। अगर यही बात है तो जिस तरीके से हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसी प्रकार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा करें कि योजना जो है यह सही है या कैसे सही है मोदी जी आज तक कभी इस बात को बोलने नहीं किए अमित शाह जी बोलने नहीं किए तो यही सवाल है हमारा और इसको लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे बृहद आंदोलन करेंगे और झारखंड में एक मजबूत आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक तरीके से देखा जाएगा कल से। नाम आपका सर? लोकेश आनंद प्रदेश महासचिव AISF ऑल इंडिया।